एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांगा और जब पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए तब पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन तब भी ये कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे थे। पता नहीं कब कमलनाथ और उनकी पार्टी के नेता देश और दल में अंतर समझ पाएंगे। कांग्रेस की मानसिकता अब सिर्फ दलगत राजनीति की रह गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांगा और जब पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए तब पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन तब भी ये कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे थे। पता नहीं कब कमलनाथ और उनकी पार्टी के नेता देश और दल में अंतर समझ पाएंगे। पूरे देश ने गर्व महसूस किया था, आम आदमी का माथा ऊंचा हुआ, सीना चौड़ा हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जो मैं इन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, खासकर कमलनाथ जी से, कि कमलनाथ जी, देश और दल में फर्क होता है कब समझोगे आप? आज जब कमलनाथ जी, पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था जब हमारे प्रधानमंत्री जी से अमेरिका के राष्ट्रपति जी ऑटोग्राफ मांग रहे थे, जब पापुआ गुनी के प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे, तब पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था, किसी पार्टी का नहीं था, प्रधानमंत्री देश का होता है। मिश्रा ने कहा कि जिन्होंने कभी तीर्थ यात्रा की कल्पना भी नहीं की थी, सरकार ने उन्हें हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई और ये सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कारण ही संभव हो पाया। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, शिवराज सरकार की सभी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं, ये योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लिए हैं। गृह मंत्री मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पर उम्र हावी हो गई है, तभी वो पूर्ण तिथि को जन्मदिन कहते हैं, विधानसभा की कार्रवाई को बकवास कहते हैं और महिला नेता को आइटम कहते हैं। ऐसा ही रहा तो जो घोषणा वो अभी कर रहे हैं, चुनाव आते आते पूरी घोषणाएं भूल जाएंगे। जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, जो किसी कारण से तीर्थ नहीं कर पाए थे, वो भी अब हवाईया से जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी का कदम सराहनीय। अकेला जयंती वाली बात नहीं है, पुण्यतिथि को जयंती की यदि साथ में ये भी कहा कि शुभ दिन है, अब आप उससे उनकी उम्र का अंदाजा समझ लो। आप उम्र का अंदाजा ऐसा हो गया है ये 75 साल से ऊपर का। एक बार आपको ध्यान हो, दीपक सक्सेना की सर दिग्विजय सिंह को जिताने की अपील कर गए थे, जो विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कह देते हो, जो किसी महिला नेत्री को आइटम कह देते हो, अब उन पर ये उम्र हावी हो गई है। और उससे ये लगता है कि जो आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं ना, चुनाव आते आते तक सबरी घोषणाएं भूल जाएंगे। मौलाना अशरत मदनी ने बजरंग दल पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की बात कही, जिसको लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि जितने भी ये मौलाना हैं, ये कांग्रेस के सलाहकार हैं और कांग्रेस इनकी ही सलाह पर चल रही है। जितने भी इस तरह के मौलाना हैं जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, वो तो स्पष्ट हो ही गया है, और कांग्रेस किनकी सलाह पर चल रही है ये भी आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।